बुनती चोला। नहीं तो आज तो दो तरफा की मौत थी, एक तो ये गिरगिट भी जाता था और ये बिल्ली भी जाती थी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जैसिका। जैसिका क्या कर रही है फिलहाल? जैसिका सफाई कर रही है। सफाई मैंने कर ली है, मेरे बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, मेरे रूम को ऑर्गेनाइज कर लिया। अभी ना बाहर काम कर रहे हैं, मैं अभी जा रही हूँ पीछे पेट्स का करने, और आने के बाद फिर खाने पीने का बनाऊंगी, फिर बैठेंगे आराम से टीवी शीवी देखेंगे। अभी आपको फिलहाल बाहर का दिखाती हूँ। ये कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, डब्बे में पानी भर रहे हैं। ये मालकिन बैठी हैं, मालिक भी बैठे हैं, और उधर दो और मालिक हमारे पीछे पंखे के पीछे बैठे हैं, वो देखिए। तो गाइस हम कर्मचारी जरा काम कर लें, मालिक आराम कर लें। हैं हाँ, देख कैसे देख रही है तेरे मालिक। उधर देखो थोड़ा सा कचरा है, उधर बाल रह गया हमारा। कैसे रिएक्ट कैसे करती है ना, नम 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 करके। सो चलिए गाइस, फिलहाल सारे कुछ कपड़े मैंने धोने डालने हैं, तो कपड़े डाल लूँ। बच्चों की कुछ बुक्स हैं जो देनी थी मुझे आज। अरे भैया काहे गिर रहे हो, एक जगह टिक नहीं सकते। सो ये सारी बुक्स मैं फिलहाल यहाँ। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ, लेके आई हूँ थेपले। ये हैं थेपले, गर्मा गर्म थेपले। जैसे का थेपले थेपले लग रही है, देखो। नहीं थेपले थेपले लग नहीं रहे, कोई बात नहीं, नहीं लगने तो खाने तो है ही, पता है हमें थेपले ही हमें लेके आई थी, बस गरम कर रहे हैं और खा रही हूँ। और ये देखिए अचार ने अपना कमाल छीट पड़ी और अचार ने अपना कमाल दिखा दिया, हमें रंग डाला। चलो मैं अभी व्लॉग देखूँगी, आपसे मिलूँगी बाद में। सो गाइस दोपहर हो चुकी है और बच्चे भी आ चुके हैं, दिखाती हूँ आपको। बैल की बजाई पागल बनाना था। ये तूने पिटना है लगता है मेरे से। ट्रॉली नहीं होता, ट्रॉली। अरे बर्फ क्यों लेके आ गया, इतनी बड़े ठंड में बर्फ लेके आया है। बाहर सुनो कितनी ठंड लग रही है बाहर, देखो जरा। नहीं गरम होगी तो इसकी ना बेटा जुकाम लग जाएगा। गरम नहीं ठंडी होएगी गधेड़े। तो गाइस गरम को ठंडा बोलते हैं, ठंडे को गरम बोलते हैं, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। अरे दीदी को भी दे दे, पता है वही गंदे हाथ, पता नहीं उन्होंने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं। बस इसको अब बहाना मिल गया पानी तक जाने का। ये चोर 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 जैनेट इतनी जोर से मारा उसके। सो गाइस इनकी फालतूगिरी तो चलती ही रहती है, सारा दिन चलती है, कहने के बाद भी नहीं सुनते हैं। सनी साइड अप विद गोभी के पराठे, चाय, अचार। मूड में नहीं लगता बात करने में। क्यों बात करूं? खफा खफा है ना? ये तो कैमरा चालू है तो हंस रहा है, इससे पहले इसका मुंह बना हुआ था। तो एक्शन पे रिएक्शन आता है, देखा? एक्शन हुआ तो रिएक्शन आ गया है ना। मेरे अंदर से ज्यादा कुछ बोले, आप ये देखो लज्जतदार टेस्टी टेस्टी। सो गाइस आज कुछ अपने पर्सनल काम करके अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, 1:30 बज रहे हैं, बच्चे भी आ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, और फिलहाल चलिए कुछ खाने को बनाती हूँ। गाइस मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ कुछ कुछ। ये है कुलचे, कुलचों में मैंने भरा है थोड़ा सा चीज और उसको किया है फोल्ड, और साथ में बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय, और साथ में एक चीज और है डिलीशियस चने। काले छोले भी कहते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये, तो भी बना रही हूँ। इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और गाइस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक हादसा होते होते रह गया,
फिलहाल मैंने सारे बर्तन भी धो लिए। जब मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धो के जब मैं मोटर बंद करने गई, तो मैंने देखा बाहर की तरफ, वो देखो बाहर ना ये बिल्लियाँ बैठी ना, वो देखो बिल्लियाँ, अरे और चाय उबल गई, और आप लोगों से बातें करते करते मेरी चाय उबल गई थी, ऑन हो गया। और पहले क्लीन करो फिर आपको बात बता। सो गाइस, कर ली मैंने वो जगह का एकदम क्लीन कर ली। तो जो बिल्लियाँ घूम रही थी मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, काली वाली, तो ये आती जाती रहती हैं, है ना, तो ये भी उसको ढूंढ ही रही है। तो मैंने देखा, मैं जैसे बटन, मैं मोटर का बटन बंद करने गई, तो मैंने देखा कि उसके मुंह में कुछ है लंबा सा, ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही थी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या पकड़ लिया, देखा तो गिरगिट था। गिरगिट आपने सुना होगा ना, जो रंग बदलता है, वही गिरगिट उसके मुँह में था। बहुत, मतलब यहाँ से लेके इतना बहुत बड़ा था, और वो ऐसे लेके मुंह में रखी। अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर छोटी सी है वो बिल्ली का बच्चा, जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा, उसने पकड़ लिया, वो थोड़ी खुराफा आती है, अब कुछ नहीं होता ज़्यादा से ज़्यादा, वो मार देती उसको, है ना। लेकिन वो जब मारती, दांतों से उसको मारती ना, तो उसका पॉइजन, जो गिरगिट का पॉइजन होता है, कैट को एकदम मार डालता है। मेरे साथ ऐसे पहले भी हो चुका, मेरी एक कैट एक्सपायर हो गई थी, उसने गिरगिट खा लिया था, इंस्टेंट पूरी जल गई थी अंदर से। तो मुझे वो सीन याद था, तो मैंने फटाफट भाग के उसको हटाया, छुड़ाया, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, इधर भागी उधर भागी। बिल्ली को तो पकड़ना आसान नहीं होता ना, बिल्ली का बच्चा है वो भी, वो तो बड़े शरारती होते हैं। फिर जाके वो कहाँ कहाँ चढ़ी, फिर मैंने वाइपर लिया, वाइपर से उसको पकड़ के धीरे धीरे निकाला, कितनी मुश्किल से उसे छुड़वाया मुझे, मेरा दिल ही जानता है। फिर मैंने वो गिरगिट को, हमारे यहाँ पे मशीन है, वो हमारे यहाँ पे मोटर है नीचे लगी, उसके ऊपर फ्लैप है, तो मोटर के अंदर की तरह छुपा दिया। वो बेचारा वहाँ बैठ के थोड़ी देर सांस वांस लेगा, वो ठीक होएगा तो वहाँ से चला जाएगा। नहीं तो आज तो दो तरफा की मौत थी, एक तो ये गिरगिट भी जाता था और ये बिल्ली भी जाती थी। तो अभी तक मेरा दिल घबरा रहा है, क्योंकि एकदम भाग के सब कर किया ना, मैं भी डर गई भैया। फिर तीसरा आपको ये भी रिस्क होता है कि अगर गिरगिट उछल के आपके ऊपर आ गया और उसने काट लिया, अब मुझे उसका कुछ पता नहीं, कैसा कुछ होता नहीं होता, लेकिन इंसान डर तो जाता है ना। चलो एनीवे, कहते ना अंत भला तो सब भला, फिलहाल ये सब डाल लेती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ। सो ये गर्मा गर्म सारी चीज़ें डल चुकी हैं, कुलचे, छोले, ये चने हैं एक्चुअली, और ये है चाय, ये है चीजी कुलचा, वाह यामी। ये क्या लाए हो आहान जी? भैया, ओ भैया, ओ भैया, ये क्या लाए हो? इसकी टीचर भी इसको भैया कहती है। भैया तो भैया ही कहेगी, अबे सब तेरे को भैया कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लगाओ, चमकने, स्पार्कल है, स्पार्कल। अरे देख, चाय गिराएगा मेरी कथड़ा, लग गई। अच्छा मेरे को नहीं दे रहा, पापा को दे रहा है। अरे वाह, ये सुबह उठता है, शाम में सोता है, पापा पापा कहाँ है पापा? बेटा इतना भारी तुमने बैग उठा रखा है, बस तो अपना रख के आओ। चलो तेरा बैग कहाँ है? अच्छा अब तो तू गई। नहीं, अरे नहीं यार, दही खा लिया? नहीं यार, नहीं खा गई। हाँ स्पिल हो जाएगा, पूरा नहीं खाया। हाँ क्यों नहीं खाया यार? यार मैं इतनी मेहनत से सब कुछ बना के देती हूँ, ये खाता ही नहीं है। मैंने मैंने तुमको बोला था ना, वो जो कपड़े दिए वही पहनने थे, क्यों पहन लिए वाले? अरे वो आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, फिर घुसा दिया। अरे यार ये ड्रेस क्यों पहनी तुमने? ऐसे कैसे पहन ली? और तू यहाँ पे क्या करने आई है? इसको कुछ नहीं, इसको सिर्फ खाना चाहिए, खिला दो बस, बाहर निकल चल, जाए ऐसे। ये क्या किया तूने मेरे? इधर जरा, ये ड्रेस को क्या किया है? कुछ नहीं। इधर इधर ड्रेस इतनी छोटी कैसे हो गई? पीछे हो जरा। अच्छा पेन लगा। अबे मेरी ड्रेस थी, मेरी ड्रेस थी ये, बड़ों की, ये बच्चों की थोड़ी ना है, ये तो बड़े की ड्रेस है। ये तो मैंने इसको ऐसे एक दिन, इसका फंक्शन था इसलिए पहनाई थी। दिखा जरा ड्रेस, कितनी प्यारी ड्रेस है, मेरी ड्रेस थी। सो गाइस देखिए, ये भूत बन रही है। शी सेड कि मुझे एक कैरेक्टर प्ले करना है भूत का, तो मुझे कह रही है मुझे मेकअप करके दो। अब ये जा रही है शूटिंग करने। हे भगवान, का करे भैया का, भूत ही तो बनना था ना, ऐसे तो बनता है भूत।
हाँ तो भूत क्या सुंदर होता है, बढ़िया है, चल जा जा जा, वो उसमें नहीं दिखेगा कैमरे में, जा। सो गाइस मैं वापस से एक बार वापस आई हूँ, मैं वापस से एक बार फिर से आई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चाय वापस से, क्योंकि अब प्रॉपर 4 बजने वाले हैं तो सबके लिए घर पे चाय बनेगी। पहले तो मैंने और अभिनव ने पी ली थी इसलिए बनाई थी, और अब डैडी जी मम्मी जी सबके लिए, और ये देखिए सब बन रहा है, ये सब भी गर्म गर्म दूंगी अभी। थोड़ी थोड़ा सा थोड़ी हो गया तो ज्यादा ही चलेगा ना। आपने क्या चला दिया ये? सो गाइस मुझे बहुत पसंद है तो इसके लिए आया, अब चला के मुझे इम्प्रेस करने के लिए आ गया कि मम्मा मैंने चला। बहुत ही नेक बच्चा है। सो गाइस अभी जेनेट फिलहाल पढ़ रही है, मैं कुछ अपना सिस्टम पे काम कर रही हूँ, एडिटिंग हो चुकी है, पोस्टिंग हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा अभी क्या करने का प्लान है। आज हमको जाना था, सब्जियां लेके आने थी, जो कि कल से हम प्लान कर रहे नहीं जा पा रहे हैं। कैसे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं जा आंटी को बहुत सब्जी वाला आने लग, वो आ चुका है गांव से, तब आएगा, लेकिन अभी तो चाहिए ना, अर्जेंट बेसिस पे सब कुछ खत्म है। हम दालें बना बना के चला आ रहे हैं, बताओ, कभी दाल बना लेते हैं, कभी छोले बना के खा जाते हैं। सो गाइस आज डिसाइड हुआ है कि हम खाने वाले हैं खिचड़ी, अभिनव खाएंगे खिचड़ी, मैं तो नहीं खाने वाली, अभिनव बच्चे सब खिचड़ी खा लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी, मैं खिचड़ी वाली नहीं हूँ, आज मन नहीं है। मे भी हो सकता है मैं मैगी खाऊं, या हो सकता है मैं भूखी रह जाऊं कुछ ना खाऊं, डिपेंड करता है। चलो बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम, सोने का टाइम हो चुका है, बच्चे सो गए हैं, एक बच्चा सो गया है, दूसरा बच्चा खुराफात कर रहा है क्योंकि अभी जस्ट उसकी पढ़ाई हुई है। इधर दे, नहीं ज़्यादा नहीं पीने, नहीं, तुमने अभी दूध दही जाने गहनो लेना, दही पिए खाया इसने बहुत सारा। सो गाइस आज के लिए दे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल इन माई न्यू ब्लॉग। आई एम डूइंग द एडिटिंग नहीं, मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। कल मैं आपसे मिलूंगी इन माई न्यू ब्लॉग, टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और पुराने हैं तो दिल में है कहीं नहीं जाएंगे। देखो बदतमीज ना हंस रहा है, देखो ऐसे ही होता है, देखो हम जब ये करते हैं ना तो हम कुछ नहीं कहते, और हम करते हैं ना तो हंसते हैं हम पे। चलो कोई बात नहीं, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।